नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का वीएमआर भारत टीवी में और आपके साथ हूं मैं छवि फागना। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। ओसिया में एक नवाचार जो कि भारत विकास परिषद शाखा ओसिया के द्वारा प्रारंभ किया गया, जिसके तहत कृष्ण गोपाल गौशाला ओसिया में धर्म लाभार्थी घनश्याम गिलड़ा और उनके परिवार ने वैवाहिक जीवन की मंगलमय यात्रा के सुखद 12 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर गौ माता के लिए 1700 किलो तरबूज और चारा पानी की व्यवस्थाएं कर गौ माता का आशीर्वाद प्राप्त किया। भामाशाह का शाखा परिवार और गौशाला पदाधिकारियों की ओर से अंग वस्त्र पहनाकर बहुमान किया गया। महिला प्रमुख कांता चांडक, संपर्क प्रमुख नंद किशोर चांडक और अध्यक्ष गोपाल सिंह भाटी ने समाज में सभी वर्गों से अपने जीवन के विशेष उत्सवों को गौशाला में मनाने का आग्रह किया। गौशाला कमेटी सदस्य दिलीप सोनी और मुरलीधर चांडक ने गौशाला की व्यवस्थाओं के बारे में विस्तार से बताया और गौशाला परिवार के द्वारा लाभार्थी परिवार एवं परिषद के सदस्यों का बहुमान किया। शाखा सचिव श्रवण सोनी ने बताया कि परिषद के द्वारा गोपालकों को भी सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में कोषाध्यक्ष अनिल सोनी, प्रांतीय प्रकल्प प्रभारी रूपेश ओझा, मांगीलाल विश्नोई, उपाध्यक्ष मोतीलाल सुथार उपस्थित थे। नवलगढ़ उपखंड की ग्राम पंचायत मोहनवाड़ी में मंगलवार को ग्रामीणों की ओर से गोचर भूमि पर किए गए अवैध कब्जे को हटाने को लेकर ग्राम पंचायत की सरपंच पुष्पा कंवर को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में ग्रामीणों ने बताया कि अलीसागर जोहड़ मोहनवाड़ी में अतिक्रमियों पर कार्रवाई करने की मांग की है। गोचर भूमि का काफी लोगों ने चारों तरफ से अवैध कब्जा कर रखा है। गोचर भूमि पर पक्का निर्माण भी करवा रहा है, लेकिन ग्रामीणों ने मांग की है कि गोचर भूमि नपती करा के अवैध कब्जा हटाया जाए। नवलगढ़ उपखंड मुख्यालय से 18 किलोमीटर दूर स्थित मोहनवाड़ी गांव में प्रभावशाली भूमाफियाओं ने ओरण गोचर पर अवैध तरीके से अतिक्रमण कर उन पर कब्जा कर लिया। हजारों बीघा सरकारी जमीन अतिक्रमियों के कब्जे में सिंचाई की जा रही है। ग्रामीणों ने बताया कि पिछले कई सालों से गोचर भूमि पर अतिक्रमण कर फसलों की बुवाई कर राजस्व विभाग की आंखों में धूल झोंककर मुनाफाखोरी का कार्य जोरों से किया जा रहा है। कई बार मौखिक रूप से पचवार मंडल को अवगत भी करवा दिया गया, लेकिन उसके बावजूद कोई हल नहीं निकला। ग्राम पंचायत में ग्रामीणों की ओर से सभा का आयोजन किया गया, जिसमें एक भी वार्ड पंच उपस्थित नहीं हुए। ग्रामीणों का सरपंच पर ये आरोप है कि जब भी कोई मीटिंग होती है तो सरपंच मीटिंग में नहीं आने के लिए बाध्य करते हैं। गोचर भूमि में अवैध कब्जा हटाने को लेकर दशरथ सिंह शेखावत, दयाल सिंह, जगदीश सिंह, गुलाब सिंह, रतनलाल जांगे, नरेंद्र सिंह, रोहिताश काजला आदि ग्रामीण उपस्थित रहे। आज ग्राम पंचायत की मीटिंग थी, उसमें क्या है पंच वगैरह कोई भी नहीं आया। मीटिंग किस चीज को लेके थी आज? मीटिंग किस चीज की? गौचर भूमि के सीमा ज्ञान कराने के लिए। कौन सा जोड़ा है वो जिसका सीमा ज्ञान कराना चाहते हो? मोहनवाड़ी के, मोहनवाड़ी की गौचर भूमि का। चोमू की ग्राम पंचायत सिंगौत कला स्थित महात्मा गांधी राजकीय अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में मंगलवार को भामाशाहों के द्वारा वाटर कूलर का उद्घाटन समारोह विद्यालय प्रधानाचार्य महेश कुमार शर्मा की अध्यक्षता में आयोजित किया गया। कार्यक्रम में विद्यार्थियों को शर्मा ने कहा कि भामाशाहों के सहयोग से विद्यालय में सर्वांगीण विकास संभव है। कार्यक्रम में समाज सेवी जगदीश बलोदा की प्रथम पुण्यतिथि पर इनकी धर्म पत्नी कमला देवी और इनके सुपुत्रों के द्वारा 61,000 रुपए की लागत वाटर कूलर विद्यालय को भेंट किया गया। समारोह में ग्रामीणों ने विद्यालय में सीसीटीवी कैमरे लगाने की घोषणाएं भी की है। कार्यक्रम के दौरान विद्यालय प्रधानाचार्य महेश शर्मा के द्वारा भामाशाह का माल्यार्पण और साफा पहनाकर स्वागत किया गया। इस कार्यक्रम में विद्यालय के स्थानीय वरिष्ठ शिक्षक मोहन सिंह के द्वारा भामाशाहों को प्रेरित किया गया। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरें लगातार जारी रहेंगी, आप बने रहिए वीएमआर भारत टीवी के साथ। नमस्कार।